हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बालाजी बी एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइलम का डेटा से ग्रुप वर्टिब्रेटा से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ही क्वेश्चन UPTGT, PGT, KBS, NBS, DSSP, इसके अलावा बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड होम्योथर्म्स ओनली। निम्नलिखित में से कौन होम्योथर्म्स में शामिल है। ऑप्शन है क्रोकोडाइल, मैन, स्फिनोडोन। ऑप्शन बी सेलेमेंडर, प्रोटोप्टेरस लिजर्ड। ऑप्शन सी व्हेल, पीकॉक, बैट। ऑप्शन डी सी हॉर्स, डॉगफिश, रैबिट। तो होम्योथर्म्स में ऐसे एनिमल आते हैं, होम्योथर्म्स एनिमल्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। मीन्स ऐसे एनिमल होम्योथर्म में आते हैं जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, इनकी बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, हमेशा कॉन्स्टेंट बनाए रखते हैं। ऐसे एनिमल को वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है, जिसमें बर्ड्स और मैमल्स इंक्लूड हैं। बर्ड्स और मैमल्स इंक्लूड हैं, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी व्हेल, पीकॉक एंड बैट। जबकि पोइक्लोथर्म्स को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। ऐसे एनिमल जो कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करते रहते हैं, मीन चेंज करते रहते हैं। बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। ऐसे एनिमल को कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है, जिसमें फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर चेंज इन द एनवायरमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स व्हिच आर। इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर चेंज होता है मोस्टली कौन से एनिमल को ज़्यादा प्रभावित करता है। ऑप्शन ए पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स, ऑप्शन बी है होम्योथर्मिक एनिमल्स, ऑप्शन सी है एक्वाटिक, ऑप्शन डी है डेजर्ट लिविंग। मीन्स ऐसे जो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर चेंज होता रहता है वो मोस्टली ऐसे एनिमल को प्रभावित करता है जो कि होते हैं पोइक्लोथर्मिक। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए पोइक्लोथर्मिक। जैसे कि मैंने बताया कि पोइक्लोथर्मिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है, जिनमें इनकी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ एमनियोटा इंक्लूड्स, एमनियोटा समूह में शामिल है। ऑप्शन है रेप्टाइल एंड बर्ड्स, ऑप्शन बी है रेप्टाइल एंड मैमल्स, ऑप्शन सी है रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑप्शन डी बर्ड्स एंड मैमल्स। तो एमनियोटा ग्रुप में ऐसे एनिमल्स शामिल किए गए हैं जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, जिसे एमनियन, कोरियन, एलांटोइस ये सारी एम्ब्रियो में पाई जाती है। तो ये मोस्टली फॉर्म होती है रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स। जबकि ऐसे एनिमल जिनमें एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, जैसे एमनियन, कोरियन, एलांटोइस का, ऐसे एन एमनियोटा समूह में या ग्रुप में रखा गया है, जिसमें फिशेज और एम्फीबियंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है फिशेज, मैमल्स एंड बर्ड्स, ऑप्शन बी है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ऑप्शन सी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ऑप्शन डी फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसा कि हमने पहले बताया कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये पाई जाती है रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर
बी रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस आर प्रेजेंट इन वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स में कितनी पेयर कितनी जोड़ी उपांगे पाई जाती हैं, कितनी जोड़ी उपांगे पाई जाती हैं, इसमें है ऑप्शन ए है वन पेयर, ऑप्शन बी है टू पेयर, ऑप्शन सी है थ्री पेयर, ऑप्शन डी है वेरिएबल इन स्पीसीज टू स्पीसीज। तो जो वर्टेब्रेट्स होते हैं उनमें जो जोड़ी उपांग पाए जाते हैं वे स्पीसीज टू स्पीसीज वेरिएबल होते हैं, मीन्स अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसलिए इसमें वो ऑप्शन नंबर डी वेरिएबल इन स्पीसीज टू स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज रिसेंटली डिस्कवर्ड वर्टेब्रेट फॉसिल्स, मीन्स कौन सा एक अभी हाल ही में खोजा गया वर्टेब्रेट फॉसिल्स है दैट हैड कार्पेल्स, जिनमें कार्पेल्स पाए जाते हैं एंड बिलीव इट टू मिसिंग द लिंक बिटवीन फिशेज एंड टेट्रापोड्स, जिसे माना जाता है कि ये फिशेज और टेट्रापोड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक को मिस करता है। तो ऑप्शन है आर्कियोप्टेरिस, ऑप्शन बी है स्टिगोसॉरस, ऑप्शन डी है सी है लैटिमेरिया, ऑप्शन डी है टिकटैलिक। तो अभी हाल ही में जो खोजा गया एक वर्टेब्रेट फॉसिल्स है जिसमें कार्पेल्स पाए जाते हैं और ये माना जाता है कि ये फिश और टेट्रापोड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक को मिस करता है वो है टिकटैलिक, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी टिकटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ फिशेज वाज नोन एज, एज ऑफ फिशेज कहलाता है जाना जाता है, ऑप्शन ए डिवोनियन, ऑप्शन बी ओडोबिशियन, ऑप्शन सी है क्रस्टेशियन क्रस्टेशियस और ऑप्शन डी है सिलोरियन, ऑप्शन डी है सिलोरियन। तो एज ऑफ फिशेज के नाम से एज ऑफ फिशेज कहलाता के नाम से जाना जाता है डिवोनियन को, इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए डेवोनियन। डेवोनियन पीरियड में इसे गोल्ड एज ऑफ फिशेस पीरियड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसी पीरियड में डेवोनियन पीरियड में ही फिशेस पूरी तरीके से डेवलप हुई थी, पूरी तरीके से विकसित हुई थी, विकसित हो चुकी थी, जबकि ये जो फिशेस थी इवोल्यूट हुई थी या इवॉल्व हुई थी ओडोबिशियन पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following fishes is a living fossils? निम्नलिखित में से कौन सी फिश लिविंग फॉसिल्स है, ऑप्शन ए है नेक्राइन, ऑप्शन बी है लेप्डोसायरिन, ऑप्शन सी प्रोटोप्टेरस, ऑप्शन डी पॉलिप्टेरस। तो इनमें से जो लिविंग फॉसिल्स है वो है प्रोटोप्टेरस, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटोप्टेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, निम्नलिखित में से कौन एक ट्रू फिश है सत्य फिश है, ऑप्शन ए है कैट फिश, ऑप्शन बी है जेली फिश, ऑप्शन सी है कैटल फिश और ऑप्शन डी है सिल्वर फिश। तो इनमें से जो ट्रू फिश है वो है कैट फिश, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए कैट फिश, कैट फिश इसमें से ट्रू फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश, निम्नलिखित में से कौन एक ट्रू फिश सत्य फिश नहीं है, ऑप्शन ए कैट फिश, ऑप्शन बी फ्लाइंग फिश, ऑप्शन सी सी हॉर्स, ऑप्शन डी है व्हेल। तो इनमें से जो ट्रू फिश नहीं है वो है व्हेल, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, निम्नलिखित में से कौन एक फिश है मछली है, ऑप्शन ए सी पेन, ऑप्शन बी है सी हॉर्स, ऑप्शन सी सी लायन, ऑप्शन डी है सी अर्जिन। तो निम्नलिखित में से जो फिश है वो है सी हॉर्स, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी सी हॉर्स। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीजीटी 2005 और पीजीटी 2002 में ये पूछा गया है।
तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग फिश इज रिलेटेड टू हिज ग्रुप, डॉग फिश किस समूह से संबंधित है। ऑप्शन है गनेथोस्टोमेटा, ऑप्शन बी एग्नेथा, ऑप्शन सी यूसिलोमेटा, ऑप्शन डी स्कोमोटा। तो डॉग फिश ये संबंधित है गनेथोस्टोमेटा से, तो इसलिए इसमें वो ऑप्शन नंबर ए गनेथोस्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनस हर्ट पाया जाता है। ऑप्शन है स्नैक्स, ऑप्शन बी फिशेस, ऑप्शन सी फ्रॉग, ऑप्शन डी पिजन। तो वेनस हर्ट पाया जाता है फिशेज में, मछलियों में, तो इसलिए इसमें वो ऑप्शन नंबर बी फिशेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर फिशेज डाई बिकॉज, मछलियों को जब पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि। ऑप्शन है द बॉडी टेम्परेचर राइज टू हाई, बॉडी टेम्परेचर बॉडी का तापमान शरीर का तापमान ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन बी दे गेट टू मच कार्बन डाइऑक्साइड, वे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। ऑप्शन सी दे आर अनेबल टू ड्रिंक वाटर, वे पानी नहीं पी पाते हैं। ऑप्शन डी दे आर अनेबल टू रिस्पायर, वे श्वसन नहीं कर पाते हैं। तो मछलियों को जब पानी से बाहर निकाल दिया जाता है वो मर जाते हैं क्योंकि वो रिस्पायरेशन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी दे आर अनेबल टू रिस्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटरल लाइन इज प्रेजेंट इन, लेटरल लाइन पाई जाती है। ऑप्शन है डॉग फिश, ऑप्शन बी है जेली फिश, ऑप्शन सी स्टार फिश, ऑप्शन डी नॉपदीज। तो लेटरल लाइन जो है ये पाई जाती है डॉग फिश में, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए डॉग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रोल वॉल्व इज फाउंड इन, स्क्रोल वॉल्व पाया जाता है। ऑप्शन है पिजन, ऑप्शन बी फ्रॉग, ऑप्शन सी है स्कैलियोडॉन, ऑप्शन डी यूरोमैस्ट्रिस। तो स्क्रोल वॉल्व है जो पाया जाता है स्कैलियोडॉन में, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी स्कैलियोडॉन।